अगर आप पढ़ाई करने बैठते हो लेकिन आपको ये नहीं पता कि कौन सा सब्जेक्ट आपको पढ़ना है और आप कोई सा भी सब्जेक्ट लेके बैठ जाते हो और आपको वो सब्जेक्ट समझ नहीं आता, तो ऐसे में आपको नींद यानी आलस आना शुरू हो जाएगा। इसके अतिरिक्त ध्यान से नहीं पढ़ने से भी नींद या आलस आना शुरू हो जाता है। पढ़ाई के समय कैसे नींद दूर भगाएं? अगर आप चाहते हैं कि पढ़ते वक्त आपको नींद ना आए, तो हमेशा याद रखें, पढ़ते वक्त सीधे स्ट्रेट बैठ के पढ़ाई करें। अगर आप झुक के पढ़ाई कर रहे हैं या फिर लेट कर स्टडी कर रहे हैं, तो ऐसे में आपको नींद आना शुरू हो जाएगा। तो याद रहे, हमेशा पढ़ाई करते वक्त सीधे बैठकर पढ़ने की कोशिश करें। जब भी आप पढ़ने बैठो तो हमेशा जो भी आप पढ़ते हो, साथ ही साथ उस टॉपिक के बारे में नोट्स भी बनाते जाएं। इससे यह फायदा होगा कि अगर आप एग्जाम टाइम या फिर कभी भी उस नोट्स को पढ़ोगे तो एकदम से आपको समझ आ जाएगा, जिससे आपका माइंड फ्रेश रहेगा। और जब भी आप उस नोट्स को पढ़ोगे तो आपको बोर नहीं लगेगा और आपको पढ़ने वक्त नींद भी नहीं आएगा। अगर आप पढ़ने बैठते हो और पढ़ते वक्त थकावट और नींद आना शुरू हो जाए, तो ऐसे में कॉफ़ी बहुत ही फायदेमंद होता है। कॉफ़ी पीने से आपकी सारी थकावट दूर हो जाएगी और आप फ्रेश महसूस करने लगोगे, और जब आप फ्रेश महसूस करने लगोगे तो आपको नींद भी नहीं आएगा। अगर बैठ बैठ के पढ़ते पढ़ते आपको नींद आना शुरू हो जाए, तो ऐसे में आप खड़े हो जाए और चलते चलते पढ़ें। ऐसे में आपका सारा आलस दूर हो जाएगा और आपको नींद भी नहीं आएगा। अगर आपको ज़्यादा देर हो जाए पढ़ते पढ़ते और आपको फिर नींद आना शुरू हो जाए, तो ऐसे में आपको 2 से 3 मिनट के लिए खड़े होके कोई भी एक्सरसाइज करें। इससे आपकी नींद और आलस सब दूर हो जाएगा। तो ऐसे नींद दूर भगाएं पढ़ाई करते वक्त। देर तक पढ़ाई करने से भी हमें नींद आनी शुरू हो जाती है, तो ऐसे में आपको नींद जरूर आएगी। तो देर तक पढ़ना भी नींद आने का एक कारण है।